नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी. आई एम सिद्धि साक्षी. आज का जो टॉपिक है वो है एब्सेस के बारे में, मतलब कि फोड़े. तो स्किन में फोड़े हो जाते हैं, ये होते क्या हैं? ये एक टेंडर मास होता है, मास ग्रो हो जाते हैं हमारी स्किन पर, जिसके अंदर पस फॉर्म्ड हो जाती है, पस की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके आसपास का एरिया स्वोलो, सूजन आ जाती है आसपास के एरिया में और एकदम रेडिशनेस आ जाती है. कॉमन साइट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे फोड़े कॉमन हो सकते हैं? हमारी जो आर्मपिट्स हैं, मतलब कि एक्जिला के नीचे, उसके बाद अराउंड टूथ के आसपास, जिसे हम टूथ एब्सेस बोलते हैं, और हमारे जो एरिया है, ग्रोइन एरिया है या वेजाइनल एरिया है, एनस एरिया है, उसके आसपास भी हो सकते हैं. अब इसका कोज क्या है? मेनली तो इसका कोज बैक्टीरिया ही है, जो बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर करेगा. बट अगर हमारी स्किन पे छोटा सा भी कट लगता है या फिर इन्फ्लामेशन होती है या कोई भी माइनर ट्रॉमा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन का नॉर्मली जो हमारा बैरियर होगा स्किन का, वो टूट जाएगा. उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो ईजिली हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाएगा. तो जो एब्सेस हैं, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, किसी भी जर्म्स या किसी भी बैक्टीरिया से बचाने के लिए. तो ये क्या करेगा, वहाँ पे एब्सेस फॉर्म्ड हो जाएगा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. क्या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे पस फॉर्म हो जाएगी. अब बात करते हैं कि हमें जब फोड़े होते हैं और पस फॉर्म हो जाती है, उसके अंदर पस भर जाती है, तो पेन क्यों होता है? नॉर्मली जो एब्सेस जब बनेगा, उसके जो बीच का एरिया होगा वो लिक्विफाई होगा. लिक्विफाई वो पस की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर सेल, डेड सेल्स हैं, डेब्रीज हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स हैं. अब उनकी वजह से क्या होगा, वो वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, बीच में ही ग्रो होना, मिडल ऑफ एब्सेस वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके नीचे की स्किन है वहाँ पे उथल पुथल मचनी स्टार्ट हो जाएगी और जो आसपास के टिश्यूज़ हैं और आसपास का एरिया है वो इन्फ्लेम्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. जो आसपास के टिश्यू जो हैं और स्किन के अंदर के जो टिश्यू हैं, वो इन्फ्लेमेशन और उसकी प्रेशर की वजह से हमें पेन होता है. तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो इफ़ेक्टिव हैं एब्सेस के लिए. सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है हिपासल्फ. हिपासल्फ बहुत ही अच्छी रेमेडी है सपोरेशन के लिए, मतलब जहाँ पे पस फॉर्म्ड हो रही है, पस बन रही है, लेकिन वो ईजिली डिकम्पोज्ड, मतलब जल्दी से जा नहीं रही है. उसके बाद जो एब्सेस के आसपास का एरिया होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा और स्किन जो होगी बहुत ही सेंसिटिव होगी. रात में उसको, पेशेंट को बहुत गंदा पेन उठेगा और वो वर्स हो जाएगा ड्यूरिंग नाइट. उसके बाद अगर हम हिपार्सल प्रिस्क्राइब करते हैं, लो पोटेंसी में देते हैं, तो इट हैसन सपोरेशन, मतलब ईजली जो पस है उसको जल्दी से गायब कर देती है. बट अगर हम उसको हायर पोटेंसी में रिकमेंड करते हैं, हायर पोटेंसी में ये एब्जॉर्ब कर लेती है लीजन्स जो है, मतलब घाव है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती है पस को. उसके बाद इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जो हमारे आर्मपिट्स हैं, मतलब एक्जिला और जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे हार्ड नोड्यूल्स बन सकते हैं, लंप बन सकते हैं, जो यूजली पेनलेस होंगे, कोई दर्द नहीं होगा. तो पेशेंट को किस चीज़ से इसमें आराम मिलता है, यूजली अगर वो खुद को कवर कर रहा है, ठीक है, और वार्म से, बहुत गर्मी से इसको आराम मिलता है, और टच करने से इसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही वर्स हो जाती है. जो मेडिसिन है वो है मर्क्यूरी सॉल्युबल्स. इसमें एब्सेस में से पस का येलो डिस्चार्ज होगा. उसके बाद इसमें बहुत इचिंग रहेगी, नॉर्मली नाइट में पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स हो जाएगी. एब्सेस जो है वो मेनली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होंगे, मर्क्यूरियस में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो साइट होगी वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होगी. पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, पसीने की वजह से जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी. और अगर वो खुद को कवर करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी. तो मेनली इसमें हीट से, खुद को कवर करने से और पसीने के बाद जो है उसकी तकलीफ है, जो उसका पेन और इचिंग है वो बढ़ रही है, और नॉर्मली उसको ओपन एयर से और रेस्ट से आराम मिल रहा है. नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सल्फर. सल्फर में एब्सेस कब फॉर्म्ड होते हैं, जब हमारी स्किन पे कोई भी इरप्शंस निकले हैं और वो दब गए हैं, मतलब सप्रेस हो गए हैं, तब एब्सेस फॉर्म्ड होते हैं. सल्फर की स्किन जैसी होती है, अनहेल्दी, अनक्लीन, वैसे ही इसमें एब्सेस होंगे, अनहेल्दी, अनक्लीन और बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल आएगी. उसके बाद इसमें एब्सेस बहुत ही लॉन्गर टाइम, बहुत ही हील होने के लिए बहुत ही लंबा समय लेते हैं. और हीलिंग स्टेज पे, मतलब कि जब घाव धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तब पेशेंट को इचिंग स्टार्ट होगी.
इसमें भी सपोरेटिव टेंडेंसी है, मतलब पस फॉर्मेशन है, और इसमें स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा, मतलब जैसे चुभने वाला दर्द है वैसा होगा। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो कब बढ़ेंगी, अगर उसको कोई टच कर रहा है या फिर हीट, सन की जो हीट आ रही है उसकी वजह से। जो मेडिसिन है वो है सिलीशिया। सिलीशिया बहुत ही अच्छी रेमेडी है कॉन्टीन्यूसली सपोरेशन के लिए, मतलब जो पस है वो बार बार कॉन्टीन्यूसली बनती जा रही है और जो घाव है वो ठीक होने का नाम ले रहा है। इसमें स्लाइटेस्ट इंजरी भी, अगर छोटा सा कट भी लगता है या छोटी सी इंजरी भी होती है, वहाँ भी पस फॉर्म हो जाती है। सिलीशिया जो इंड्यूरेटेड वॉर्म्स हैं, ओल्ड इंड्यूरेटेड वॉर्म्स हैं, इंड्यूरेशन का मतलब होता है जो हार्ड मास बन जाते हैं, मतलब टिश्यू के हार्डनिंग और थिकनिंग, उसे इंड्यूरेटेड कहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ओल्ड इंड्यूरेटेड वॉर्म्स को ठीक करने के लिए। सिलीशिया को हम सर्जन्स नाइफ भी बोलते हैं, जो हमारे नेल बैंड होते हैं अगर उसके नीचे यहाँ पे एब्सेस फॉर्म्ड हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो आसपास के एब्सेस की जो स्किन होगी इसमें, वो बहुत ही रिंकल्ड हो जाएगी, झुर्रियाँ ऐसी लगेगी जैसे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, रेड, एकदम रेडिश हो जाएगी, वैक्सी हो जाएगी, जैसे कि वैक्स होता है, लेदरी। इसमें पेशेंट को आराम कब मिलेगा, जब बाय कवरिंग, वो खुद के जो पार्ट्स हैं कवर कर रहा है और वार्म से। और इसमें जो पेशेंट की तकलीफ़ है वो कब बढ़ेगी, किसी भी कोल्ड एप्लीकेशन से या फिर अनकवर्ड पार्ट से। नॉर्मली अगर छोटा एब्सेस है, स्मॉल एब्सेस है, तो आप उसको वॉर्म एप्लीकेशन से भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो लोग होते हैं वो उसको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं बाय स्क्वीजिंग और बाय प्रेसिंग इट, वो चीज़ मत करिएगा, क्योंकि जो भी उसके अंदर मटेरियल है, जो पस है उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, डेड सेल्स हैं, जो भी डेब्रीज हैं, वो जो उसके नीचे के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे मटेरियल जाने का खतरा है, और अंडरलाइंग जो टिश्यू है उस वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। और कई लोग होते हैं कि जो एब्सेस के बीच का एरिया जहाँ पे पस बनी हुई है वहाँ पे निडल प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो वो चीज़ें भी मत करिए, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं, उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है। Thank you so much, and don't forget to like and subscribe.